छोटी चिड़िया कभी सूखी लकड़ियाँ लाती तो कभी सूखे हुए छोटे छोटे तिनके। वो अपना घर बना रही थी। सब हो गया, अब रह गई मेरे घर की छत। मैं शाम तक अपने घर की छत भी बना लूंगी। उड़ती हुई गोरी कभी वहाँ आ जाती है। चिड़िया, ये क्या बना रही हो? गोरी बहन, मैं अपने लिए घर बना रही हूँ। ये कोई घर है? जैसे मुर्गियों का घर हो। थोड़ा बड़ा बना लो इसे। कितना छोटा सा है ये। गोरी बहन, घर बड़ा हो ना हो, दिल बड़ा होना चाहिए। ऐसे कहते हुए छोटी चिड़िया सूखा घास लेने चली जाती है। नदी के पास सूखा घास था। चिड़िया अपनी छोटी सी चोंच से पहले घास इकट्ठा करती है और फिर सूखा हुआ घास लेकर वापस जाती है। तोता और तोती चिड़िया के घर के पास बैठे हुए थे। चिड़िया चिड़िया, ये तो बहुत छोटा है। इस छोटे से घर में तुम्हें घबराहट होगी। तोते भैया, छोटा हो या बड़ा, घर तो घर होता है। मैं इसे मेहनत से बना रही हूँ। ये घर छोटा जरूर है मगर बहुत मजबूत है। ये तेज तूफान का मुकाबला कर सकता है। तेज बारिश में भी नहीं टूटेगा। हमारा घर इतना बड़ा है। 3 कमरे हैं हमारे घर में और रसोई भी। अब मुझे देर हो रही है, मुझे काम करने दें। चिड़िया फिर से काम में लग जाती है। रात होने से पहले पहले चिड़िया अपने घर की छत भी मुकम्मल कर लेती है। आज चिड़िया अपने नए बनाए हुए घर में बहुत आराम से लेटी हुई थी। दूसरे दिन चिड़िया अपना भोजन लेने जाती है। वहाँ दूसरे पक्षी भी बैठे हुए थे। सुनो सुनो, किसी ने देखा है? चिड़िया ने नया महल बनाया है। मैंने देखा है, मैंने देखा है। इतना बड़ा महल के दूर से ही दिखाई देता है। जैसी चिड़िया खुद छोटी, ऐसा ही उसका घर छोटा। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। दोस्तों, घर छोटा या बड़ा नहीं होता, छोटा या बड़ा दिल होता है। तो फिर जब ठंड पड़ेगी तो हम चिड़िया के दिल में ही रह लेंगे। सब हंसते हुए चिड़िया का मजाक उड़ाते हैं मगर चिड़िया अपना दाना लेकर वहाँ से चली जाती है। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन बारिश शुरू हो जाती है। बारिश बहुत तेज थी और साथ तेज हवा भी। तेज हवा से जंगल में ठंड और भी बढ़ गई थी। रात का समय था जब अचानक तोते और तोती का घर टूट जाता है। मिठू, अब ऐसी बारिश और ठंड में हम कहाँ जाएंगे? कौवे और कौवी का घर बड़ा जरूर है मगर बहुत कमजोर है। हम चिड़िया के पास जाते हैं, वो बहुत दयालु है, वो हमें अपने घर में जरूर रख लेगी। फिर तोता और तोती चिड़िया के पास जाते हैं। दस्तक की आवाज सुनकर चिड़िया चौंक जाती है। कौन है? चिड़िया बहन, जल्दी से दरवाजा खोले, हम बहुत मुसीबत में हैं। हमारा घर टूट गया है। फिर चिड़िया तोते और तोती को अपने घर में ले आती है। चिड़िया, तुम्हारा घर तो ठीक है मगर हमारा घर तेज हवा से टूट गया। कोई बात नहीं तोते और तोती, आप मेरे घर में सुरक्षित हैं। घर छोटा हो या बड़ा, दिल बड़ा होना चाहिए। दस्तक फिर से होती है। चिड़िया फिर से दरवाजा खोलती है। मेरे घर की छत टपकने लगी और देखते ही देखते सारे का सारा घर पानी से भर गया। सब बर्बाद हो गया, मेरा घोंसला भी और भोजन भी सब गया। आप अंदर आ जाएं कबूतर भैया। तोते और तोती, आप यहाँ? हमारा घर तो पूरा ही टूट गया है। कबूतर भैया, मेरा घर जरूर छोटा है मगर मेरा दिल बहुत बड़ा है। ये सुनकर कबूतर थोड़ा शर्मिंदा भी होता है। कालू कालू जी, खिड़की बंद कर दो। कैसे बंद करूं? खिड़की तो तेज हवा से टूट कर गिर गई है। थोड़ी ही देर बाद उनके घर का दरवाजा भी हवा में उड़ जाता है और फिर छत भी। अब लकड़ी की 3 दीवारें ही बची थी और बारिश और भी तेज हो गई थी। कालू जी, चलो तोते और तोती के घर चले जाते हैं, उनका घर बहुत बड़ा है, यहाँ तो मैं मर जाऊंगी। फिर कालू और गौरी तोते के घर की तरफ जाते हैं। ये क्या, तोते और तोती का घर तो इसी पेड़ पर था। कालू, नीचे देखो नीचे। तोते और तोती का घर तो टूट कर नीचे गिरा हुआ था। ये भी टूट गया, मगर तोता और तोती कहाँ है? शायद वो दोनों कबूतर के घर में होंगे। फिर वो दोनों कबूतर के घर जाते हैं मगर वहाँ भी हर तरफ पानी ही पानी था। कालू, वो ना हो, वो सब चिड़िया के घर में ही होंगे। हमने तो बहुत देर कर दी, अब तो चिड़िया के घर में भी जगह नहीं बची होगी। एक कोने में घुसकर बैठ जाएंगे हम। चलो कालू, मेरे सर में बारिश के कतरे डंडों की तरह लग रहे
हैं। फिर वो दोनों चिड़िया के घर जाते हैं। वो दस्तक देते हैं। चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया क्या यहाँ कबूतर है? हाँ गौरी बहन, उसका घर टूट गया था, वो यहाँ ही है। तोता और तोती भी अगर यहाँ ही है तो फिर हमारे लिए जगह कहाँ होगी? आप दोनों अंदर आ जाएं कवि और कवि। जगह घर में नहीं दिल में होती है। घर छोटा हो या बड़ा, दिल बड़ा होना चाहिए। ऐसे वो रात सारे पक्षी चिड़िया के छोटे से घर में सुरक्षित रहते हैं और चिड़िया के बड़े दिल से बहुत खुश होते हैं। अंकल अंकल मिठू, आज मेरा जन्मदिन है, आप शाम को हमारे घर आ जाना। क्या केक भी मंगवाया है आपकी मम्मा ने? हाँ अंकल, मेरी मम्मा ने बड़े वाले केक का ऑर्डर किया है, और हरियाली आंटी को भी लेकर आना। कुकू वहाँ से चला जाता है। फिर कुकू कबूतर अंकल और बुलबुल को भी बता देता है। सबको अपने जन्मदिन का आमंत्रण देकर कुकू वापस अपने घर चला जाता है। कुकू बेटा, सबको बता दिया है ना? हाँ मम्मा, गौरी आंटी और कालू अंकल के अलावा सबको बता दिया है। उन्हें छोड़ो, उन्हें बुलाना भी नहीं है, वो तो हर समय कोई ना कोई बुरा काम ही करते हैं। इतने में चिड़िया के फोन की घंटी बजती है। रानू चिड़िया, आपका बड़ा केक तैयार है, आकर ले जाएं। मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। कुकू बेटा, मैं भाग कर केक ले आती हूँ, तब तक आप नहा कर तैयार हो जाना। फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटे के जन्मदिन के लिए केक लेने चली जाती है। उस छोटी चिड़िया ने सबको बुलाया है, फिर हमें क्यों नहीं बुलाया? अभी कल ही तो तुमने लड़ाई की है चिड़िया से, वो क्यों बुलाएगी तुम्हें अपने बेटे के जन्मदिन पर? मैं भी इतनी आसानी से चिड़िया को उसके बेटे का जन्मदिन मनाने नहीं दूंगी। गुस्से में गौरी वहाँ से चली जाती है। चिड़िया भी केक ले लेती है और वापस अपने घर को होती है। घर पहुंचकर चिड़िया अपने बेटे से कहती है, कुकू बेटा, अभी चाय बनाने के लिए दूध भी लाना है, मैं दूध ले आती हूँ और आप गुब्बारे और कैंडल्स ले आओ। मैं अभी जाता हूँ मम्मा। कुकू कैंडल्स लेने चला जाता है। चिड़िया के मोबाइल की घंटी फिर से बजती है। सॉरी सॉरी चिड़िया, वो केक आप इस्तेमाल ना करना, वो केक एक्सपायर हुआ है, माफ करना, आप वो केक नदी में फेंक दें और नया केक ले जाएं। अच्छा किया जो आपने बता दिया, मैं अभी आती हूँ। चिड़िया जल्दी से घर से निकलती है क्योंकि उसे पहले ही देर हो गई थी। जैसे ही चिड़िया जाती है, गौरी कवि खिड़की से आकर देखती है। बड़ा सजा कर रखा हुआ है केक, मैं बताती हूँ चिड़िया गौरी से दुश्मनी कैसी है। गौरी घर के अंदर जाती है और वो एक्सपायर केक खाने लगती है। वो सारा ही केक खा लेती है और वहाँ से भाग जाती है। रास्ते में कबूतर चिड़िया को मिलता है, वो चिड़िया के साथ जाता है। चिड़िया और कबूतर नया केक ले लेते हैं और वापस होते हैं। बढ़िया ही चिड़िया कहेंगी, कालू मैंने भी उसके घर में घुसकर सारा ही केक खा लिया है, अब मनाएगी चिड़िया अपने बेटे का जन्मदिन गेहूं के दाने काट कर। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया तुमने, मगर मैं नहीं बोलता तुमसे, मेरे लिए क्यों नहीं लाई तुम केक? कालू जी, तुम्हें तो मालूम है खाने वाली चीज देखकर मुझसे रहा नहीं जाता, मुझे मालूम ही नहीं हुआ कि कब सारा केक खत्म हो गया। शाम हो जाती है, सारी तैयारी मुकम्मल हो जाती है। बेटा, वो पुराना एक्सपायर केक कहाँ गया? मम्मा, मुझे तो नहीं मालूम, मैं तो गुब्बारे लेने गया हुआ था। तो जरूर वो केक कालू या गोरी खा गई होगी। अब पता चलेगा कवों को एक्सपायर केक खाकर जब उनके पेट में दर्द होगा। रात होते ही सब पक्षी चिड़िया के घर आना शुरू हो जाते हैं। कबूतर और कबूतरी, तोता और तोती, बुलबुल भी आ जाती है। ये रहा मेरी तरफ से कुकू आपके लिए गिफ्ट। ऐसे सब अपने अपने गिफ्ट कुकू को देते हैं। कुकू बहुत खुश था। कैंडल्स जलाई जाती हैं। केक काटने के बाद मैंने खाने का बंदोबस्त किया है, सब दोस्त खाना खा कर जाना। हाय हाय कालू, मैं मर गई, उस मनहूस चिड़िया ने केक में ना जाने क्या मिला रखा था। हाय हाय, मेरे तो पेट में बहुत दर्द हो रहा है। हाय,
गोरी पानी पियो, रुक जाएगा दर्द, थोड़ा कम खा लेती, तुम भी सारा ही केक खा गई। मैं मर रही हूँ और तुम मुझे ताने दे रहे हो, कुछ करो कालू। डॉक्टर बुलबुल भी चिड़िया के बेटे के जन्मदिन पर गई हुई है, चलो मेरे साथ उससे जाकर दवा लेते हैं। कुकू केक काटता है। हैप्पी बर्थडे डियर कुकू, हैप्पी बर्थडे डियर कुकू, हैप्पी बर्थडे डियर कुकू। खिड़की से गोरी रोती हुई कहती है, बुलबुल बुलबुल मेरा पेट फट जाएगा, प्लीज मुझे पेट दर्द की दवा दे दो। जब एक्सपायर केक खाओगी तो पेट में दर्द तो होगा। क्या, तो क्या वो केक एक्सपायर था? हाँ। फिर सब हंसने लग जाते हैं।